जय हिंद साथियों, मैं संजीव सिंह मूल रूप से किसान हूँ। कहने को तो किसान अपनी मर्जी का मालिक होता है, जब जो चाहता है करता है, लेकिन वास्तव में वो प्रकृति का गुलाम होता है। हम ट्रैक्टर लेके आए थे कि आज भूसा की ढुलाई करेंगे, लेकिन समस्या यह है कि हवा इतनी तेज चल रही है कि भूसे की लदाई नहीं हो पाएगी। अब ट्रैक्टर हमें रोक करके अब शाम को फिर ढुलाई करेंगे जब हवा कम होगी। हम लोग हवा, पानी, धूप हर चीज़ के गुलाम हैं। मौसम के अगर मौसम जो कहेगा वही हमको करना है, अपने मन से करेंगे नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग कई काम एक साथ रखे रहते हैं, ये काम नहीं हुआ तो वो काम शुरू हो जाएगा। तो इस स्थिति में देखिए अब खेत की गुड़ाई शुरू हो गई। अगर वो काम नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कई काम अगर एक साथ न लेके चला जाए तो खेती बड़ा मुश्किल ही नहीं कठिन भी हो जाती है। हम लोग यहाँ पे खेती के कई वैरायटी की खेती कर रहे हैं, नए नए प्रयोग भी, आप इसे रिसर्च सेंटर भी मान सकते हैं। सामने बड़ा सा आम का फल इस साल फल नहीं दिया तो तत्काल व्यवस्था जिसे कहते हैं, क्योंकि प्रकृति में तत्काल कुछ नहीं चलता, समय होता है, लेकिन उसके लिए हमने एक छोटा सा बारहमासी आम लगा दिया, जिससे अब यह इसकी फ्लावरिंग तो आप देख ही रहे हैं। हवा तेज है इसलिए हम भूसा नहीं लाद पा रहे हैं, तो इसको लगा दिए हैं। अब यह फलेगा और फिर एक उम्मीद जगी है कि अब हमारे पास आम की कमी नहीं रहेगी। इसी क्रम में हम लोग कई पेड़ इसके लगाए हैं, आगे भी एक पेड़ है उसको भी हम आपको दिखा देंगे, वो भी बारहमासी ही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हम आपको दूसरा वाला पेड़ दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ये है आम का। अगल बगल मेड़ों के पास गन्ना लगाया गया है जो कि व्यावसायिक खेती तो नहीं आप इसे कह सकते हैं, लेकिन इसको हम बीज इसका तैयार कर रहे हैं। अभी हमारे पास बीज हो जाएगा तब फिर काम होगा, ज़्यादा खेती अगले साल की जाएगी। ये देखिए ये कुहाड़ी की बुआई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो कई तरीके की खेती एक साथ की जाती है ताकि अगर मौसम, इस पूरे खेत में कुहाड़ी ही बोई गई है जो कि लगभग एक हेक्टेयर से कम नहीं है, तो और भी तमाम सब्जियां हम लोग लगा रहे हैं, जैसे लौकी भी एक दो पेड़ है, अभी और लौकी मचान बना के खेती की जाएगी। तो लौकी जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये लौकी एक ठो मिल गई, इसकी हम ये तोड़ करके इसको हम सब्जी बनाएंगे।